अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रज़ा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हबशान कहते हैं लंदन करमपुर से बुरी माई के साथ जुल्म की इंतहा होगी, बाल काट कर गलियों में घसीटा गया है। इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं एसएम न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ फरीद। जी फैज़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लुडन करमपुर के इलाका बस्ती चाकर वसीर की रहायशी सखा माई रोजा मोहम्मद मुश्ताक को इलाका के बदमाशों ने दिन दहाड़े सार के बाल काट कर सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया और बेमाना तशद्दुद करते हुए सखा माई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैं जानवरों के लिए चारा काट रही थी कि तो 5 अफराद मोहम्मद सरफराज उर्फ मौली सियाग, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद मुदसर और 2 नामलूमों को जिन्हें मैं नहीं जानती, इन लोगों ने आकर मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे पर तशद्दुद किया। सरफराज उर्फ मौली ने मेरे सर के बाल काट दिए और मोहम्मद रफीक मेरे कपड़े फाड़ दिए जिससे मैं नहीं बरना हो गई। इसके बाद उन गुंडों ने मुझे सरेआम सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। मेरे शोर करने पर लोगों को आता देखकर सारे बदमाश फरार हो गए। मैं अपनी इस बेहरमती और तशद्दुद के खिलाफ DPO वीआरडी, RPO मुल्तान और ज़िला पंजाब उस्मान बाजार से इंसाफ की अपील करती हूँ और इन मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया फैज़, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।